दिव्य हिंदी न्यूज, लोकशाही का मजबूत आधार स्तंभ। पातूर से आलेगांव की ओर जा रही कार में नाइक विद्यालय के समीप अचानक आग लग गई। इस आग में कार जलकर खाक हो गई। ये घटना 1 जनवरी को दोपहर में घटी। पातूर निवासी गुलाब राव वानखड़े अपने परिवार समेत MH-30B L8151 क्रमांक की मारुति कंपनी की बलेनो कार से पातूर से आलेगांव जा रहे थे। पातूर आलेगांव मार्ग पर स्थित वर्धमान पेट्रोल पंप और नाइक विद्यालय के पास इस कार को अचानक आग लग गई। कार से धुआं निकलता देख चालक ने कार रोक दी और कार में से परिवार के सभी सदस्य को बाहर निकाल लिया। फिर चालक ने मिट्टी डालकर आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग नहीं बुझ पाई। कार पूरी तरह आग के लपेटों में आकर खाक हो गई। इस घटना की जानकारी पातूर के दमकल विभाग को मिलते ही दमकल की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाया। दिव्य हिंदी न्यूज, न्यूज क्षेत्र के सारे प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मजबूती से खड़ा, जैसे न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल, आईटी प्लेटफॉर्म और न्यूज एप्लीकेशन। दिव्य हिंदी के इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूले। साथ ही दिव्य हिंदी न्यूज ऐप को प्ले स्टोर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे साथ बने रहे। दिव्य हिंदी न्यूज आपके परिवार को रखे जागरूक और आपको एक्टिव। धन्यवाद।